सब वेलकम बैक टू एलिक्रिटिक। तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली यार। तो आज हम सुनने वाले हैं असूल बाय 47 फीचरिंग तलविंदर, और इसका म्यूजिक किसने प्रोड्यूस करा है, म्यूजिक प्रोड्यूस बाय सिंग बीट्स। तो देखते कैसे होने वाला है। और मैंने 47 भाई की स्टोरी देखी थी, उन्होंने बोला था कि ये बेस्ट वर्ड्स है फ्रॉम द हिज ईपी। तो देखते हैं कैसा होने वाला है। और जिसको कर लेंगे भाई पे रिएक्शन देखना है, वो मैंने कल ही कर दिया था, ऑडियो पे ही कर दिया था। आज कलमकार से भी आएगा वो शायद, तो उस पर मैंने कर दिया था, तो वो भी चेक कर सकते हो, आई बटन में आ गया होगा या चैनल खुल के देख लेना यार। तो देखते हैं कैसा होने वाला है गाना। अब भाई ने स्टोरी डाल के पहली एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया, तो अब देखते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। और तलविंदर भाई को मैंने सुना नहीं है, तो देखते हैं उनके भी कैसे आर्टिस्ट हैं भाई वो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल पे हम बार्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अदर टेक्निकलिटीज़ में भी फोकस करते हैं, इसकी केडेंस डिलीवरी मेलोडीज वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल 47 ऑल तलविंदर भाई फैंस, यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पिछला ट्रैक जो मैंने सुना था कर लेंगे भाई, वो बहुत डूब था भाई, तो ये देखते हैं कैसा होने वाला है। तो 1 2 3 लेट्स गेट इट। थोड़ा सा सीरियस टाइप वाइब आ रही है, लेट्स सी। आ जाओ सिंह भाई बीट्स पे, बिल्डिंग अप बीट, बिल्डिंग अप। ओके सिंपल असूल ने मेरे लाइफ रूल ने, सिंपल असूल ने मेरे लाइफ रूल ने, माड़े ना कहना नहीं रगड़े तो टहना नहीं। मिक्स पे ध्यान जा रहा है पूरा, ये दो वोकल्स है ना, एक पीछे से एक और वोकल चल रहा है जो नॉर्मल आवाज में चल रहा है। तलविंदर भाई की आवाज है ये, शायद ये एक सिंगर है तलविंदर भाई। ओके पंजाबी सिंगर, और मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, तो लेट्स सी। लेकिन मिक्स पे पूरा फोकस जा रहा है, और मिक्स काफी बढ़िया करा है जिसने भी मिक्स करा है भाई। असूल मतलब होता है जैसे बोलते नहीं है कि मेरा लाइफ का ये असूल है, तो ही सेइंग कि मेरे लाइफ का सिंपल असूल है। और क्या असूल है वो अभी तक बताया नहीं है, बताएंगे पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को पंजाबी समझ में नहीं आती, तो जितनी समझ में आ रही है उतना बोल रहा हूँ। और बीट काफ़ी पसंद आ रही है मेरे को अभी तक सिंह बीट्स की, और मिक्स बहुत प्यारा है भाई। और जो तलविंदर भाई की वॉइस है, वॉइस बहुत प्यारी है भाई, जो कॉम्पोजिशन करी है ना पंजाबी वॉइस में, आई लाइक इट। सेक्शन बहुत प्यारा भाई है, ये तलविंदर भाई ने करा ना, जो भी हो ब्रो, ये आ ब्रो जो सुर के साथ गए ब्रो, हाई नोट पे गए, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक द बीट। सिंपल या लाइफ साडी ते सादा रहना सेना, बिना मैं बोला माड़ा ते ना किसे दा सेना, सिंपल लाइफ साडी ते सादा रहना सेना। ओके ये असूल है, देना किसे दा सेना, बाकी जो लत्ता खिच दे ओना तो फर्क नहीं पैना, जिन्ना चिर रहु चढ़ाई इथे गा पैना ही पैना, इथे गा पैना ही पैना। सिंपल असूल ने मेरे लाइफ रूल ने, सिंपल असूल ने मेरे लाइफ रूल ने, माड़े ना खेना नहीं तकड़े तो टहना नहीं, जेड़ा चंगा ना सोचे ओदे कोल बैठना नहीं। ओके दिस इज जो ये तलविंदर भाई का ये जो भी सेक्शन है, इट्स अ बिल्डअप टूवर्ड्स 47 वर्स। तो देखते कैसा होने वाला है। आई लाइक हिज पार्ट, जो कॉम्पोजिशन थी, जो वॉइस थी, और जो आ वाला पार्ट आया था ना, वो अलग ही वाइब दे रहा था, क्योंकि बीट भी उसी टाइप में थी और उसी टाइप की वाइब आई ना, वो बहुत सिक लगा मेरे को वो जो पार्ट था। वो अभी तक तलविंदर भाई के पार्ट में से फेवरेट पार्ट था। और लिरिक्स पे मैं उतना मतलब ध्यान दे पाया, क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत वीक है ब्रो, मेरे को पंजाबी समझ में नहीं आती, तो दैट्स तभी तो मैं सिकंदर भाई के गाने पे नहीं कर पाता ब्रो, बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट पे नहीं कर पाता, तो कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन आई लाइक द कॉम्पोजिशन। असूल ने मेरे लाइफ रूल ने, माड़े ना खेना नहीं तकड़े तो टहना नहीं, जेड़ा चंगा ना सोचे ओदे कोल बैठना नहीं, सिंपल असूल ने, ओ सिंपल असूल ने। आ जाओ ये पार्ट, ओ हो ब्रो, जो जान देती थी वो जान लेके गई, मेरी सारी कमाई मेरे सामने से गई, लेकिन आज भी अगर
जो जान दे दी थी वो जान लगे गई, मेरी सारी कमाई मेरे सामने से लग गई। ये ही इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल आई थिंक सो, कि जो जान दे दी थी वो जान लगे गई और मेरी सारी कमाई, मतलब वो इतना खर्चा करा दी थी मेरे सामने से लग गई। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्स आई थिंक सो। आई लाइक हिज केडेंस, जो 47 जिस केडेंस के साथ आया ना, जो जान दे दी थी वो जान लेके गई, मेरी सारी कमाई मेरे सामने से गई, लेकिन आज भी अगर कुछ होता है गलत तो वो करवाती है मेरा नाम लेके सही, इतना तो बनता भी है नाम जो बड़ा है आज तेरे एक्स यार का। आज मैं फ्लेक्स, सडन फ्लेक्स की मतलब ऐसे फ्लेक्स की गुड वे में, कि अब मतलब जब भी कुछ काम फंसता है उसका तो वो मेरा नाम लेके सही कराती है, और वो बोल रहा है कि इतना तो बनता है तेरे एक्स यार का ब्रो, एंड आई एम राइट कि ही इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्स। ओके, ये मेरा नाम लेके सही, इतना तो बनता भी है नाम जो बड़ा है आज तेरे एक्स यार का। आज मैंने यार रखे चार पांच काम, करे आर पार लगे किसी पिक्चर की स्टार का, सोती वफादारी कानूनी मैं तुझे का। ब्रो ब्रो जो फ्लो है, जो केडेंस के साथ आया है भाई, जो गूसबम्स वाली वाइब दे रहा है, और प्लस जो बोला कि मैंने चार पांच यार रखे साथ में जो काम करते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा लगे कोई पिक्चर की स्टार कास्ट, मतलब इतना बढ़िया काम करते हैं वो। ब्रो 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 आई लाइक द फ्लो, जो केडेंस आई है, जो बीट पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ब्रो, आई लाइक इट। मैंने यार रखे चार पांच काम, करे आर पार लगे किसी पिक्चर की स्टार कास्ट, सोती वफादारी कानूनी मैं तुझे कागज दिखा देता, वन मैन फौज वन वे टीम, एक बार इन्हें रुको वापस वापस आओ वापस आओ, लाइक द बीट ब्रो, जो 47 के वर्ड्स के साथ पूरा गाना ही चेंज हो गया ऐसा लग रहा है ब्रो। कासोती वफादारी कानूनी मैं तुझे कागज दिखा देता, वन मैन फौज कानूनी मैं तुझे कागज दिखा देता ब्रो, कनेक्टिंग डॉट्स आर पार लगे किसी पिक्चर की स्टार, कासोती वफादारी कानूनी मैं तुझे कागज दिखा देता, वन मैन फौज वन वे टीम, एक बार ही निकला यहां से तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, झूठ वाला डाइनिंग टेबल नहीं घर मेरे, सच वाले कचरे से सज रखे हैं, माफ कभी करा नहीं तो। झूठ वाला डाइनिंग टेबल नहीं, मतलब कि जब ये डाइनिंग टेबल में बैठते होंगे आमने सामने और बहुत सारी झूठी बातें बोलती थी वो, एज इन ये कहना चाह रहे हैं कुछ और इसका मतलब है। मैं तुझे कागज दिखा देता, वन मैन फौज वन वे टीम, एक बार ही निकला यहाँ से तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, झूठ वाला डाइनिंग टेबल नहीं घर मेरे, सच वाले कचरे से सज रखे हैं, माफ कभी करा नहीं, धोखा देने वालों को गिन गिन के खुले में कर्ज रखे हैं, ब्रो की माफ नहीं करा धोखा देने वाले को, मैंने ग्रज अभी भी मेरे दिमाग में अभी भी वो लोग हैं ब्रो, मैंने उनको भूला नहीं हूँ, उन साथ में अभी भी ग्रज रखे हैं मैंने, वो ही टॉकिंग स्ट्रेट ब्रो, एंड ब्रो नहीं करो मत करो माफ ब्रो, आई हैव द सेम थॉट एंड द मेंटालिटी ब्रो। धोखा देने वालों को गिन गिन के खुले में क्रज रखे हैं, कहां गए सारे जो भी कहते थे बस के नहीं तेरे, कहां गए सारे पहले हंस के जो चस के थे लेरे, कहां गए सारे जो कुछ कहने से पहले खड़े कर लेते हाथ, कहां गए सारे जो भी डर रहे थे करने से बात। ब्रो 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 ये गाना बहुत अलग लेवल पे हिट कर रहा है ब्रो, अलग लेवल पे हिट कर रहा है, कहां गए सारे की जो उस टाइम पे हंसते थे तुम्हारे स्ट्रगल के टाइम पे और अब तुम्हें कॉल करते हैं ब्रो, अब कहां है। This hits on another level, bro. के खुले में क्रज रखे हैं, कहां गए सारे जो भी कहते थे बस के नहीं तेरे, कहां गए सारे पहले हंस के जो चस के थे लेरे, कहां गए सारे जो कुछ कहने से पहले खड़े कर लेते हाथ, कहां गए सारे जो भी डर रहे थे करने से बात, जब खराब थे घर के हालात, कहां गए सारे जो भी कहते थे कर ले तू नौकरी, मिली मेरे बाप के मरने के बाद, मैं तो कब का मर गया होता, मेरी जान ने आके मेरी जान बख्शती। जो केडेंस के साथ आया है, जो फील में वो डिलीवर कर रहा है भाई, पूरा दर्द महसूस हो रहा है, एक एक शब्द महसूस हो रहा है ब्रो, जो बस आग बन करके सुनो ब्रो, यू कैन पिक्चराइज एवरीथिंग एंड इट हिट्स ब्रो, एवरीवन कैन रिलेट टू दिस, कि अगर कोई बड़ा बन गया या फिर कोई स्ट्रगल कर रहा है ना, तो ये याद रखो कि ये सोच के मेहनत करो कि वो तुम्हें तब याद करेंगे ना जब तुम एक लेवल पर पहुंचोगे तय ब्रो, दैट्स अ फैक्ट। अभी तुम्हें जो लोग बहुत ज़्यादा कि बोल रहे कि क्या कर रहा है ये कर रहा है ब्रो, जब तुम पहुंच जाओगे ना उस लेवल पे, दे विल बी द ब्रो। गए सारे जो भी डर रहे थे करने से बात, जब खराब थे घर के हालात, कहां गए सारे जो भी कहते थे कर ले तू नौकरी, मिली मेरे बाप के मरने के बाद, मैं तो कब का मर गया होता, मेरी जान ने आके मेरी जान बख्शती, जान बच गई पहले भरता था सांस, भरी मैंने उड़ान चांद तक की, करेंगे सब कुछ ग्रैंड, मेरे आगे करना नहीं बात हल्की, जिएंगे बड़ा मरेंगे बड़ा, बनेगी मजार हजार गज की, सिंपल या सूल ने मेरे लाइफ रूल ने, सिंपल या सूल ने मेरे लाइफ। पहले तलविंदर भाई आया, एक लेवल सेट करा, फिर जो 47 ने अपलिफ्ट करा है ब्रो, दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग दिस इज द बेस्ट वर्स, बिकॉज टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं बोल रहे भाई, भाई भाई बोल रहे कंटेंट के बारे में, वो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, और जो स्ट्रेट मोटिवेशन है प्लस स्ट्रगल हिज ग्राइंड, और जो उन लोग पे डिस है जो उस पर शक करते थे, जो उनको फालतू की सलाह देते थे, और जो उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करते थे जब स्ट्रगल चल रहा था ब्रो, एंड दिस हिट्स ऑन अनदर लेवल ब्रो, मेरे को तो बहुत आई कैन रिलेट टू दिस, एंड थैंक यू फॉर दिस वर्स ब्रो, एंड द बीट, जो बीट ना कॉम्प्लीमेंट करा है ना ब्रो, जो अपलिफ्ट हो रही थी बीट भाई, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। सूल ने मेरे लाइफ रूल ने, सिंपल या सूल ने
मेरे लाइफ रूल ने माड़े ना खेना नहीं रगड़े तो टहना नहीं जेड़ा चंगा ना सोचे ओदे कोल बैठना नहीं सिंपल असूल ने वो सिंपल असूल ने बीट सिंग बीट्स शाउट आउट ब्रो सिंग बीट जो बेस लाइन हिट्स ऑन अदर लेवल ब्रो ड्रॉप दे देते यार लास्ट में ब्रो द लिरिक्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स बट जो रिलेटेबल फैक्टर है जो मोटिवेशन है जो केडेंस के साथ आया जो फ्लो था जो एनर्जी थी और जो मोटिवेशन थी जो दर्द था ब्रो दिस हिट्स ऑन अनदर लेवल ब्रो मानो ना मानो अगर कोई इस फेज से गुजर रहा है ना मैं अब जो 47 ने जो बातें करी और वो अब एक लेवल पे है ब्रो और जो उस फेज से गुजर रहा है कि तुम्हें बहुत लोग ताने मार रहे हैं या जो बोल रहे हैं ब्रो डोंट स्टॉप ये सेम चीज़ मैं बोलूँगा सब बोलेंगे ब्रो डोंट स्टॉप करते रहो अगर तुम्हें पता है ना कि तुम अच्छा कर रहे हो और तुम खुश हो और तुम यू कैन मेक मनी या आगे तुम कुछ कर सकते हो उसको लेके ब्रो डोंट स्टॉप करते रहो ग्राइंड करते रहो भाई 47 ने भी 10 साल करे हैं और अभी 2-3 साल में ही नोटिस में आया ब्रो 10 साल से है वो भी इंडस्ट्री में ब्रो ऐसे एक दिन में कोई एक रात में कोई सुपरस्टार आर्टिस्ट नहीं बन जाता है ब्रो दैट्स अ फैक्ट एंड ये तभी बोला भाई अभी तक जितने मैंने गाने सुने मैंने शायद खाली ओह नहीं सुना है और बाकी जितने भी गाने सुने भले टेक्निकली कोई इससे ज़्यादा अच्छा होगा इस वर्स में लेकिन ये वर्स बेस्ट था 47 का इस EP में ब्रो बहुत प्यारा गाना जो बीट को कॉम्प्लीमेंट कराना जो बीट से पहले ही मेरे को वाइब आ गई थी सीरियस वाली क्योंकि स्टार्ट में ही वो जो बेस लाइन थी बीट की उसी से वाइब आ गई थी फिर प्लस जो तलविंदर का पार्ट था तलविंदर ने जिसको पंजाबी समझ में आती होगी ना उसने तो पूरा कनेक्ट करा होगा क्योंकि मेरे को पंजाबी समझ में नहीं आती लेकिन जो भी वो बात कर रहा था जितना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था ब्रो ही वॉज सेटिंग अप द थीम फॉर 47 टू कम एंड किल इट ब्रो एंड दिस बहुत प्यारा लगा मेरे को और ये था ऑनेस्ट रिएक्शन अगर पसंद नहीं आता तो सीधा मुंह पे बोल देता कोई ऐसा सीन नहीं है और ये था रिएक्शन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दो ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है और कमेंट करके बता दो कि और कौन से गानों की रिएक्शन चाहिए कौन सी EP कौन सी एल्बम एक ओ बचा है ओ भी कर दूंगा मैं आज या कल में देखते हैं ओ भी कर दूंगा फिर पूरी एल्बम हो जाएगी और यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लो तो मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय पीस आउट